नमस्कार प्रणाम। रक्सौल में जो आर्मी के ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा जो बर्बरता की गई आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो पहले जान लीजिए। रक्सौल आर्मी राधामोहन गिरी को एक बिहार पुलिस के द्वारा भरे बाजार में दौरा दौरा कर मारा जाता है, जो हमारे बिहार नहीं पूरे भारत की दृश्य शर्मसार करने वाली है कि एक आर्मी के जवान, वह आर्मी के जवान जो सरहद पे खड़ा रहता है, उसके बाद ही हम अपने घरों में चैन सुकून से सो पाते हैं, जी पाते हैं, चल पाते हैं। जहां की जो बिहार पुलिस की बात रही, वही आर्मी सरहद पे खड़ा रहता है, बॉर्डर पे खड़ा रहता है, तो वह बिहार पुलिस भी अपने क्षेत्र में अपने थाने में सही शराफत से इज्जत से काम कर पाता है। अगर वही आर्मी वही जवान हमारे देश की आर्मी अगर सरहद पे खड़ा ना रहे तो शायद सोच सकते हैं कि हम लोगों की हालात कैसी हो जाएगी, और बिहार पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक बिहार पुलिस, एक बिहार के एसआई के द्वारा जो घटना की जाती है, आर्मी के जवान के ऊपर जो बर्बरता से हाथ चलाया जाता है, उसकी मां बहन को गालियां दी जाती है, इसके वजह से पूरे बिहार पुलिस के चेहरे पे काली पोतने का काम जितेंद्र ने किया है। जितेंद्र वही जितेंद्र का पूरा नाम मुझे नहीं पता, और जितेंद्र को शौक शान से और इज्जत से नाम लेना भी नहीं चाहिए, ये मेरा मानना नहीं बल्कि पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के लोग आज एक एक चीज बात चिल्ला रहे, जितेंद्र का पूरा नाम भी नहीं ले रहे, सिर्फ जितेंद्रा कह रहे हैं। इतना सोच सकते कि एक बिहार पुलिस के एक एसआई की वजह से पूरे बिहार के पुलिस के चेहरे पे काली पोता गया, जो काफी शर्मसार है। और सबसे शर्मसार की बात यह है कि 21 तारीख की घटना होती है, आज 1 मार्च है, और अभी तक आर्मी के जवान राधामोहन गिरी को जेल के सलाखों के पीछे बंद करके रखा है, और अभी तक मोतिहारी के कचहरी चौक पे 4 से 5 दिन तक बिहार के लोगों ने, चंपारण के लोगों ने धरना देते हैं। उनकी 2 महीने पहले शादी हुई है आर्मी राधामोहन गिरी का, और उनकी पत्नी नई नवेली दुल्हन कचहरी चौक पे आकर धरना देती है। बोलने के बजाय उनकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलता है। उसका बाप आता है, उसकी मम्मी आती है, उसकी सालिया आती है, पूरे परिवार के एक एक बच्चे, नर नारी सभी लोग आके उस कचहरी चौक पे धरना देते हैं। उसके बाद भी इस सिस्टम को सुनाई नहीं देता कि किसको हम सलाखों के जेल के सलाखों के अंदर बंद करके रखे हैं, और अभी तक नहीं छोड़ा गया। बर्बरता बिहार पुलिस की देख लीजिए, एक मीडिया में आके अपना बयान देता है कि सबसे पहले आर्मी के जवान को गाली दिया, आर्मी जवान मुझे गाली दिया। भाई क्यों गाली देगा, भांग पी के रोड पर चल रहा है? नहीं ना, वो जा रहा था, एक्सीडेंट मानते हैं, एक्सीडेंट हुआ तो आर्मी बोल रहा है कि हाँ चलिए पहले आपका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बाद हम अपने सालियों को एग्जाम सेंटर पर छोड़ने जाएंगे। लेकिन नहीं, वहां पे आर्मी पुलिस वाले आते हैं और उनके ऊपर हाथापाई चलाने लगते हैं। एक्सीडेंट होता है, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वहां पे अमूमन बताया जाता है कि अक्सर वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, भीड़ रहता है, एक्सीडेंट हुआ होगा, इस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं। हालांकि फोटोज भी अब आ ही रहे हैं कि जिस मौलवी साहब को एक्सीडेंट हाथ में लगा था इनके साइड लुकिंग मिरर से, बातें सही है। लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाना, एक आर्मी के जवान पे बिहार पुलिस के द्वारा बर्बरता से मारना, घसीट के ले जाना थाने तक, ये कहां तक सही है? क्या आपके पास अधिकार है एक आर्मी के जवान को जेल के सलाखों का बंद करके रख देना? आपके पास अधिकार ये था कि वो आर्मी के जवान गलत किया, आपको गाली दिया, एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट का प्रावधान आपके पास था, नियम कानून आप जानते ही हैं। उसके बटालियन को फोन करते, उसके यूनिटी में फोन करते, न कि उसके ऊपर हाथ चलाते। एक आर्मी के जवान वीडियो जो रिलीज किया है, बिहार पुलिस वालों ने अगर 1 सेकंड भी उस वीडियो को देखा होगा तो कान से खून निकल गए होंगे आप लोगों के। एक आर्मी के जवान के आवाज में जितना बुलंदी है, जितना हौसला है, जितना दम है, शायद आप लोग जितना भरत सिस्टम है ना, भरत सिस्टम में बिकोते 200-400 लेकर ना गाड़ियों को खेप पार करवाते हैं, वो आर्मी का जवान नहीं होता है। एक एक खून, एक एक कतरा से उनका शरीर भरा होता है, आन गुमान अपने देश के लिए लड़ता है, राष्ट्र के लिए लड़ता है, और बॉर्डर पे खड़ा रहता है। और आप लोग 200 रुपया 100 रुपया 500 रुपया लेकर ना बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, यही रक्सौल बॉर्डर पे चले जाइए, होली आई गया है, कितना दारू का खेप पार होगा, लेकिन बिहार पुलिस एक बार भी नहीं बोलेगी। हम सभी बिहार पुलिस को नहीं कर रहे, लेकिन वहां पे जो तैनात जितेंद्र जी है ना, एक बार भी नहीं बोलेगी रक्सौल बॉर्डर से कितना दराब शराब की खेपे पार होती है, लेकिन कोई नहीं बोलता। क्यों पार हो जाता है भाई, बॉर्डर से बिहार में शराब आ कैसे जाता है, जबकि बिहार में शराब बंदी है, बिहार में शराब नहीं बनता है, तो शराब आता कहां से है? ये सब बिहार पुलिस की जवाबदेही है और नाकामी है कि इसीलिए हमारे बिहार में भी शराब मिलता है। नीतीश कुमार हर बॉर्डर पर खड़ा रहेंगे? नहीं रहेंगे। बात आर्मी राधामोहन सिंह की, अभी तक राधामोहन गिरी को रिलीज नहीं किया गया, नहीं छोड़ा गया। ये बिहार नहीं, जितेंद्र ही नहीं बल्कि पूरे बिहार सहित पूरे भारत को शर्मसार करने वाला काम किया जितेंद्र जी। आपको अभी सभी इस्तीफा देना चाहिए। हम डीएम और एसपी डीएसपी साहब सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे कर्मियों को बाहर किया जाए। लाइन हाजिर करने से कुछ नहीं होता है सर, दरखास्त करने से कुछ नहीं होता, तो सस्पेंड किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि कोई भी बिहार पुलिस हमारे आर्मी के जवान को हमेशा से इज्जत करे। जो हमारे पूरे देश की रक्षा करता है, उसका परिवार आज सुरक्षित नहीं है, उसके परिवार के सामने गाली दिया जाता है, मारा जाता है, ये कहां तक सही है? एकदम सही नहीं है। कोई अगर सही कह दे कि हाँ जितेंद्र सही है, तो मैं गुलामी लिख दूंगा।
इसी के बाद मैं अपने वीडियो को खत्म करूंगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, राधा मोहन सिंह को चाहते हैं कि राधा मोहन गिरी को चाहते हैं आप रिलीज करना, तो ट्विटर पे लिखिए रिलीज राधा मोहन, हिंदी में और इंग्लिश में भी लिखिए ट्विटर में, और जितने भी आर सरकार है, जितने भी आला अधिकारी है, सभी को मेंशन करिए ताकि हमारी आवाज और हमारी बात सरकार तक पहुंच पाए। हालांकि बात सरकार तक पहुंची है, लेकिन बिहार में तो होता है अपने कुर्सी के लालच में सब बैठे होते हैं, ना किसी को बोलना है ना कुछ सुनना है, यही हमारी सरकार। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय जवान।